सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी नई फिल्म आने वाली है आग और सुहाग और सपनों का सफ़र। बहुत जल्द आग और सुहाग का ट्रेलर आप सबको देखने को मिलेगा। इस फिल्म में कौन-कौन आपके साथ में है? इस फिल्म में मेरे साथ श्रुति राव जी हैं, संजय पांडे जी हैं, जय नीलम जी हैं, कृष्णा यादव जी हैं। एक कॉमर्शियल फिल्म है, लाइक दहेज प्रथा के ऊपर ये फिल्म है। तो जब भी ये फिल्म आएगी आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जातिवाद को लेकर काफ़ी मुद्दे गर्म है, यादव और राजपूत को लेकर खास करके, क्या इस पर कमेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि एक नेता और अभिनेता की कोई जात नहीं होती है, क्योंकि एक नेता को हर समाज का वोट देता है तब वो जाके जीतता है। एक कलाकार तभी स्टार बनता है या कलाकार तभी हिट होता है जब उसको हर समाज के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सिर्फ एक जाति के लोग अगर उसकी फिल्म को देखते हैं तो वो हिट नहीं हो सकती है, ना ही कलाकार आगे बढ़ सकता है। तो नाम रावी यादव है। हाँ, तो इसमें सपोर्ट की क्या बात है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री का सबसे छोटा कलाकार हूँ। खेसर जी मेरे लिए सीनियर हैं, पवन जी मेरे लिए सीनियर हैं, सब निरुवा जी मेरे लिए सीनियर हैं। हम सबका सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी एक का सपोर्ट करते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं। सबसे अधिक गाने किसे सुनते हैं आप? सबसे अधिक गाने खेसारी लाल यादव जी के सुनते हैं। अभी उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? नहीं, ऐसा तो अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, लेकिन हम ज़रूर उनके साथ काम करना चाहेंगे। पवन जी के साथ नहीं करना चाहते हैं? नहीं, उनके साथ भी काम करना चाहेंगे। सिनेमा लाइन में अभी कितने साल हुए आपको आए हुए? कोविड मिला के मुझे लगता है कि 5 से 6 साल हो गए। इस दरमियान कौन कौन सी फिल्म आपने किया इधर? आफ्टर कोविड, कोविड के बाद हमने 2 फिल्में किया, आग और सुहाग, उसके बाद सपनों का सफर। अभी अपकमिंग सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट अभी जाने वाला है? आग और सुहाग फिल्म आने वाली है, उसका ट्रेलर बन के रेडी है, सब कंप्लीट है, उसको बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। किस किस हीरो के साथ अभी तक आपने वर्क किया है? हमने रानी जी के साथ काम किया है, रानी चटर्जी के साथ में, उसके बाद श्रुति राव जी के साथ काम किया हुआ है, मणि भट्टाचार्य जी के साथ काम किया हुआ है, तो इन सब के साथ काम किया है। अभी अभी एक फिल्म और प्लानिंग चल रही है, उसका अनाउंसमेंट जल्दी करेंगे कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है उसका। मुंबई में लोग ज़्यादातर अधिक टाइम फ्री रहते हैं तो जिम करते हैं, डांसिंग सीखते हैं, आप उसमें क्या तैयारी करते? मेरा तीनों चलता है। मॉर्निंग में मैं जिम जाता हूँ सुबह 7 से 9 बजे, उसके बाद फिर जो मेरा कंटिन्यू रूटीन होता है डाइट का, दिन में 1-2 मीटिंग्स हो जाती हैं, तो शाम को मेरा डांस क्लास चलता है, आई मीन मैं डांस सीखने के लिए जाता हूँ। क्या कुछ तस्वीर करना चाहते हैं? किस बारे में? अपने बारे में। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो प्यार आशीर्वाद अब तक आपने मुझे दिया है, बस ऐसे देते रहिए अपने रवि यादव पर, और मेहनत कर रहे हैं, बस आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर।